मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे पीओ को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओ के हमारी हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओ को हमारे देश में लेके आए, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओ के की सीना चीर कर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओ के की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका 3000 किलोमीटर की वो रास्ता बन रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पीओ के किस तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीएको को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे, सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे हम। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए, अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है, आपने कहा था। तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे। बात यह कि सर आप सब जानते हैं कि हम कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आए हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2024 साल के सितंबर महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को यह निर्देशित दिया गया कि चुनाव होना जरूरी है। हम लोग भी सर पिछले चर्चा में यही बात रखे थे कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। मतलब यह है कि विपक्ष जो कहते हैं बाद में सरकार उनको जानकारी लेते हैं, तो ये चुनाव जरूर होना चाहिए। और मैं ये सरकार को गुजारिश करूंगा देर नहीं करना चाहिए, उतने देर क्यों, अगर सरकार चाहे, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट पे जाए, सरकार अगर इलेक्शन कमीशन को कहे तो चुनाव पहले भी हो सकते हैं, चुनाव पहले क्यों नहीं करा जा सकते, लोकसभा के साथ साथ वहां के चुनाव भी करा सकते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं कि हमें जब तक कोई नहीं कहेगा तब तक हमें चुनाव नहीं कराना, क्योंकि सदन के अंदर आपने कमिटमेंट किया था, हमारे गृह मंत्री ने सदन के अंदर एक कमिटमेंट किया था कि हम चुनाव कराएंगे, ये भी कमिटमेंट किया था हम स्टेटहुड भी देंगे एप्रोप्रिएट टाइम। तो हम ये कहते हैं चुनाव कराने के पहले क्यों स्टेटहुड नहीं दिया जाते, अब स्टेटहुड दे दिया करो उसके बाद चुनाव कराओ, तब तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगेगी कि भाई हमारे बात थोड़ा बहुत सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट आज तो आप लोगों को निर्देश दे दिए हैं, तो आप घोषित कर दीजिए जी सदन के अंदर कि हम उतने देर नहीं बल्कि उसके पहले हम चुनाव कराएंगे। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किए हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए क्योंकि सारे मुद्दा एक साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओके की सीना चीर कर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, उसका 3000 किलोमीटर की वो रास्ता बन रही है। आप कहते हैं कि हम पीओके के तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे, सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे हम। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए, अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है,
अक्साय चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है, आपने कहा था। तो अगर आपने कहा था तो अक्साय चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने के कोई इरादा नहीं, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं, उसपे भी जो पीओ की है उस पर भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। सर सर बात तो यह कि पीओ को तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओ के हमारे हाथ में आएंगे? बलवान पुरुष इसलिए पूछ रहा हूँ, ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओ को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओ के हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साय चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब देता दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं, पीओके और अक्साय चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। बिल्कुल, तीन युद्ध लड़े हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। तीन युद्ध हुई है, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो, आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं, बुचार 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 की रिपोर्ट को क्यों नहीं डीक्लासिफाई कर रहे हैं आप बताइए, सारे कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। पुराने समय आप सब बातें बोल लिए हो, अब तो इस पे बिल पे बोल रहे। सर बात यह की सर किस समय क्या हुआ था इस विषय पे, सर अगर हमारी तरफ से इतिहास की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से डिबेट नहीं करते, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की छोड़कर अभी सिर्फ इल्जाम लगाने आरोप लगाना ये हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोई प्रधानमंत्री देश की इंटरेस्ट छोड़कर किसी दूसरे को मदद नहीं किए, लेकिन आज इस तरीके की इल्जाम लगा जा रहे हैं कि जैसे कि एक अपराधी थे कोई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं। आप लोगों की इतिहास भी तो देखो आप, सर अगर बोलने दीजिए तो सर बोलेंगे, बोलने दोगे ठीक रहेगा। सर मैं आप लोगों की इतिहास बताना चाहते हैं, अमित शाह जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे उस दिन, आपने आपको याद है 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक एक हिंदू महासभा की और एक मुस्लिम लीग दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, आपको याद है? इसके पीछे कारण क्या थी, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक से सत्ता बनाए थे 1941 में, बिफोर दैट एक साल पहले जो फजलुल हक वो पुराना बिफोर इज फॉलो विद द मुस्लिम लीग हैड मूव। सर नहीं, ये कागज पढ़ चुके हैं पुराने रिपोर्ट में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन फजलुल हक ने तय किए थे 40 साल में, और 41 साल मुल्क के साथ आप सरकार बनाने गए, आगे बढ़े सिंध में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ क्यों आपने पार्टीशन की मदद करते हुए सरकार बनाए थे? चलो जवाब है आपके पास, तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं, इधर उधर की बात ना करके सीधे देश की हित की बात कीजिए, और सुबह और शाम आप फिजूले इल्जाम लगाते हुए किसी के अपमान मत किया करो, अगर अपमान करना चाहते हैं तो खुले सदन में सुबह से शाम तक चर्चा करने की जरूरत है, ये मैं जरूर मानना चाहते हैं और जरूर ये कहना चाहते हैं। सर कश्मीर की हेल्थ के बारे में हमारा साथी कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
levels of malnutrition in G&K have increased at an alarming level. In 2019-21, 19% of children were wasted as compared to 12% in 2015-16 and 2019-21, 9.7% children severely wasted as compared to 5.6% in 2015-16. मतलब हर साल बच्चों की हालत बुरा होते जा रहे हैं. Prevalence of anemia in children between 6 to 59 months of age increased from 53.8% in 2015-16 to 72.7% in 2019-20. Prevalence of anemia, sir, anemia की बात करते हैं. Prevalence of anemia in women between 15 to 49 years of age increased from 48.9% in 2015-16 to 65.9% in 2019-20. According to report of 2021 by Niti Aayog, J&K only has 17 beds in a district hospital per lakh population, far below the national average of 24 beds per lakh population. J&K has the second lowest ratio of staff nurses in population to Indian public health standard norms set under the National Health Mission. Sir, ये महिला के बारे में कहते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ. इस तरह की सर बहुत सारे मुद्दे हैं, आज मैं नहीं जाना चाहते, लेकिन जरूर ये बिल को स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करके आप दिखाइए पूर्ण राज्य की दर्जा दीजिए. पहले पूर्ण राज्य की दर्जा दिया करो, उसके बाद चुनाव करा, जो हारे जो जीते इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, ये करके दिखाइए. आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें. देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए. सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल.